इन दिनों खलिस्तानी लोग विदेश में खूब प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अगले महीने सिख फॉर जस्टिस का जन्म संग्रह कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने खलिस्तानियों के इस कार्यक्रम को रद्द करवा दिया है। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम को लेकर पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की एक नगर परिषद के अधिकारियों ने सिडनी की ब्लैक टाउन सिटी में आयोजित होने वाले खलिस्तानियों के जन्म संग्रह कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। सिडनी की नगर परिषद ने कुछ कानूनों का हवाला देते हुए इस कार्यक्रम को रद्द करवा दिया है। बता दें कि सिख फॉर जस्टिस द्वारा ये कार्यक्रम ऐसे समय में आयोजित होना था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी पहुंचेंगे। बता दें कि खलिस्तानी ये जन्म संग्रह भारत के टुकड़े टुकड़े करने की नीयत से करने वाले थे, लेकिन पीएम मोदी के दौरे के कारण ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी। ब्लैक टाउन सिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने कहा है कि काउंसिल ने आज सुबह इस बुकिंग को रद्द कर दिया है क्योंकि यह लागू काउंसिल पॉलिसी के खिलाफ है। काउंसिल कर्मचारियों, परिषद की संपत्ति और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं उठा सकते। साथ ही एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सिख फॉर जस्टिस ग्रुप के खिलाफ भी जांच चल रही है। परिषद ने यह भी कहा है कि ग्रुप के खिलाफ बेहिसाब पैसे के लेन देन को लेकर कनेक्शन सामने आए हैं, जिसकी हम जाँच कर रहे हैं। बता दें कि खलिस्तानियों की शिकायतकर्ताओं में से एक अरविंद गौड़ ने ब्लैक टाउन सिटी काउंसिल के मेयर टॉनी ब्लिसडेल को एक पत्र लिखा था, जिसमें उनका कहना था कि FSG कार्यक्रम द्वारा पोस्टर और बैनर के माध्यम से आतंकवादियों की प्रशंसा की जा रही है, जिसके बाद उन्हें काउंसिल के CEO कैरी रॉबिन्सन का जवाब भी मिला, जिसमें बताया गया कि काउंसिल के अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत बैनर और पोस्टर हटाए जा रहे हैं। रॉबिन्सन ने बताया है कि फिलहाल हम सार्वजनिक संपत्ति पर शहर के चारों ओर लगे बैनर और पोस्टर हटा रहे हैं।